और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। उत्तर प्रदेश के तमाम अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी कर दी है। निर्देशों के अनुपालन में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए इन अफसरों पर टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अफसरों को खरी खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि अफसरों में शीर्ष अदालतों के प्रति सम्मान नहीं है, शीर्ष अदालतों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों के अनुपालन में करीब एक साल हो चुका है, लेकिन ये अनुपालन नहीं हुआ। देरी पर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कोर्ट ने अधिकारियों को 4 सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। अनुपालन न करने पर प्रमुख सचिव गृह को तलब भी कर सकता है कोर्ट। 29 अगस्त को इस मामले में अब फिर से सुनवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों को खरी खोटी सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। निर्देशों के अनुपालन में देरी से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए टिप्पणी की है। अफसरों में शीर्ष अदालतों के प्रति सम्मान नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्देशों के अनुपालन में करीब एक साल की देरी हो चुकी है। अभी तक ये निर्देश स्वीकार नहीं किए गए हैं। अधिकारियों को 4 सप्ताह में फैसला लेने का अल्टीमेटम अब दिया गया है और कहा यह गया है कि अगर अनुपालन अब भी नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव गृह को तलब कर लिया जाएगा। 29 अगस्त को इस मामले में अब फिर से सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अफसरों को सुप्रीम कोर्ट ने अब लताड़ लगा दी है। निर्देशों के अनुपालन में देरी हुई, जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज नाराज हो गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान ही नहीं है अधिकारियों में, शीर्ष अदालतों के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में निर्देश कोर्ट द्वारा दिए गए थे, लेकिन इन निर्देशों को एक साल हो जाने के बाद भी माना नहीं गया। अधिकारियों को 4 सप्ताह में अब फैसला लेने के लिए कहा गया है और अल्टीमेटम दे दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि 29 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी और अगर अनुपालन नहीं हुआ तो प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश को कोर्ट में तलब कर लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, यूपी के अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी।